हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ बिग फन 37 कीस पियानो। इसका मॉडल नंबर है BF430B1 इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। इस पियानो के साथ हमें एक USB केबल भी मिलता है, उससे पावर देकर हम इस पियानो को चला सकते हैं या फिर बैटरी से भी चला सकते हैं। और एक खास बात यह है कि गाइस, इसके साथ हमें एक माइक्रोफोन भी मिलता है। देख सकते हो इस तरह का पियानो है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे से ये बॉक्स इस तरह से दिखाई देता है। इसका प्राइस है 900 रुपीज। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से। ये देख सकते हो गाइस, ये रहा अमेजोन। इसे मैंने खरीदा है 8 मार्च को। इसका प्राइस भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 900 रुपीज। आज हम करेंगे इस पियानो की टेस्टिंग। गाइस, आप अगर ये पियानो खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाकर आप इस पियानो को खरीद भी सकते हो। तो चलो फटाफट से इसे ओपन कर लेता हूं मैं। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। यह है इसका एक USB केबल। ये रहा गाइस हमारा पियानो, गोल्डन कलर में है पियानो। यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर ओन साउंड बोलकर। यहाँ पे भी लिखा है 37 इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बोलकर। यहाँ पे इसका पावर स्विच, यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। देखते हैं गाइस दोनों स्पीकर्स काम करते हैं कि नहीं इस वाले पियानो में। मेरे पास एक और पियानो है, वो भी बिग फन की तरफ से आ जाता है गाइस। उसे मैंने खरीदा था 600 रुपीज में। तो वो वाला पियानो, ये वाला पियानो कंपेयर करके देखेंगे गाइस, क्योंकि दोनों ही पियानो सेम कंपनी की तरफ से आते हैं बिग फन बोलकर। उसका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस। पियानो के पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे है इसका माइक। इसे निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे रख देता हूँ मैं। यहाँ से हमें डालनी होती है इसके अंदर बैटरीज। तो ओपन करके देखेंगे गाइस इसके अंदर कितनी बैटरीज डालनी होती है हमें। अगर आप बैटरी नहीं यूज करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो DC 5 वोल्ट का एक पोर्ट भी दिया गया है। इस केबल को हमें लगाकर यहाँ पर चार्जर अटैच करना होता है, या फिर आप PC से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इसके बटन्स के बारे में बता दूंगा गाइस, उसके बाद में इसके अंदर बैटरीज डाल के टेस्ट भी करके देखते हैं क्या पियानो सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे T1, T2, T3, T4 बोलकर टोटल 8 बटन्स दिए गए हैं। तो ये बटन किस लिए काम में आते हैं पहले ये बताऊंगा गाइस मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो T1 मतलब पियानो की साउंड आती है इसके अंदर से, T2 मतलब ऑर्गन की साउंड आती है इसके अंदर से, यानी कि ये टोन वाले 8 बटन्स दिए गए यहाँ पर। और ये बटन किस लिए काम में आते हैं यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो गाइस चाहे तो। यहाँ पे 2 और बटन्स दिए गए हैं। ये बटन है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ये बटन है वॉल्यूम कम करने के लिए। यहाँ पे और 5 बटन्स नजर आ रहे हैं गाइस हमें। ये बटन दबाने पर डॉग की साउंड आती है, इसी तरह ये बटन दबाने पर फ्रॉग की साउंड आती है इसके अंदर। यहाँ पे और 6 बटन्स है, आप देख सकते हो। ये बटन दबाने पर स्टॉप है, ये बटन दबाने पर डेमो की साउंड आती है इसके अंदर। टोटल इसी तरह से डेमो सी तक है। हम जो पियानो बजा रहे हैं गाइस उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वापस से उसे प्ले भी कर सकते हैं इस पियानो के अंदर। यहाँ पे 2 और बटन दिए गए हैं, ये टेम्पो बढ़ाने का बटन है, ये टेम्पो कम करने का बटन है। यहाँ पर और 8 बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि R1, R2, R3 बोलकर। R1 मतलब रिदम बोलते हैं गाइस उसे। R1 किस लिए काम में आता है यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। R1 मतलब रॉक, R2 मतलब स्लो रॉक, R3 मतलब ट्विस्ट बोलकर यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे स्पीकर के ग्रिल्स हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है गाइस देखने में तो ये पियानो, आप देख सकते हो। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसके अंदर डाल लेते हैं बैटरीज, इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर 3 बैटरीज डालनी होती है गाइस हमें। फटाफट से चलो बैटरीज डाल लेते हैं इसके अंदर। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो यार इस वीडियो पर जरूर से लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना। बैटरीज डाल ली है मैंने यहाँ पर, वापस से इस कवर को लगा देते हैं। यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ वाला स्विच, इसे ऑन कर लेते हैं। तो गाइस अभी टेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर से साउंड कैसी आ रही है। वाह भाई, बहुत ही लाउड साउंड है इसके अंदर। और हम बढ़ा सकते हैं क्या वॉल्यूम, देखते हैं।
बढ़ा दिया मैंने। वाह, तो गाइस अभी इन बटन्स को टेस्ट करके देखते हैं क्या बटन सच में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वायलिन T3 मतलब, हाँ दोस्तों सच में काम कर रहे हैं यार ये बटन्स। अभी दबाते हैं T8 का मतलब है गिटार। वाओ यार ये वाली आवाज़ तो मुझे गिटार जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, पता नहीं कुछ गड़बड़ कर रखी है इन लोगों ने। दोस्तों ये जो बटन्स है ये ड्रम के लिए भी यूज़ होते हैं और एनिमल के साउंड्स के लिए भी यूज़ होते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे सेट किया है एनिमल के साउंड पे सेट किया है, देख सकते हो बर्ड की आवाज़ आ रही है, डक, फ्रॉग, डॉग। अभी मैं इसे ड्रम पर सेट करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जो ड्रम का सिंबल भी दिया गया है, यानी कि इस तरह से 2-in-1 बटन है ये। यहाँ पे डेमो भी प्ले करके देखते हैं गाइस। ओके, डेमो के बटन बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड है, प्ले है, स्टॉप भी है। तो गाइस आप जो भी साउंड इसके ऊपर प्ले कर रहे हो उस साउंड को आप रिकॉर्ड करके वापस से सुन भी सकते हो। यहाँ पे टेम्पो के बटन्स क्या है देख लेते हैं एक बार, टेम्पो बढ़ा के देखते हैं पहले। टेम्पो बढ़ाने पर आवाज़ जो है बहुत ही हाई पिच में आ रही है। टेम्पो कम करके देखते हैं, वाव बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी रिदम के बटन्स चेक करते हैं गाइस। R4 का मतलब है डिस्को, R4 दबा के देखते हैं। वाव तो भाई सारे के सारे जो बटन से एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं गाइस। इसके अंदर जो आवाज़ भी है बहुत ही लाउड आ रही है गाइस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गौर की है, ये जो स्पीकर है इस तरफ का काम नहीं करता है, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला ही स्पीकर इस पियानो के अंदर काम करता है। ओवरऑल गाइस बहुत ही अच्छा पियानो है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लगी। और गाइस इसका कलर तो क्या ही बताऊं मैं, गोल्डन कलर वाला पियानो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो चलो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक माइक का भी पोर्ट दिया गया है, हमें जो माइक मिला था इसके साथ माइक भी टेस्ट करके देख लेते हैं क्या माइक में सही से आवाज़ आ रही कि नहीं। यहाँ पे लगा दिया मैंने इसे, अभी देखते हैं टेस्ट करके। वाव काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ है। हेलो दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। वाओ दोस्तों आप लोगों ने सुना ना, काफ़ी ज़्यादा लाउड है इसके माइक की भी साउंड, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है इसका माइक। पर गाइस आप जब भी इस माइक से बात करते हो तो ये जो माइक का पोर्शन है इसको काफ़ी ज़्यादा आपके मुंह के सामने रखकर बात करना होगा, अगर आप दूर रख के बात करोगे तो सही से आवाज़ नहीं आएगी इस माइक के अंदर से। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे पास एक और पियानो है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों में से कौन सा वाला पियानो अच्छा है। ये रहा गाइस एक और पियानो, ये भी बिग फन है। तो इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो BF430A1। इसकी फुल अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चाहे तो इसकी भी फुल अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वाली वीडियो देख सकते हो। ये भी 37 कीज का पियानो है, यहाँ पे भी इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं। मॉडल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है और मॉडल देखने में भी थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। यहाँ पे है A1, ये है B1। इसे ओपन करके देखते हैं दोस्तों। दोनों ही पियानो का बाय लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो ये वाला पियानो खरीद सकते हो या फिर ये गोल्डन कलर वाला पियानो भी खरीद सकते हो। मेरे को तो गाइस दोनों में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, बस सिर्फ मॉडल का फर्क है। पर ये जो पियानो है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो बटन्स दिए गए हैं काफ़ी कलरफुल है और इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक सी है गाइस।
दोनों पियानो में से सबसे ब्यूटीफुल जो है ना गाइस ये वाला लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हो, गोल्डन कलर है, देखने में बहुत ही अच्छी लुक है इस पियानो की। ये जो पियानो है थोड़ा सा चीप लगता है। इस पियानो में भी हमें दो स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। जब मैंने इसे टेस्ट किया था गाइस, बिल्कुल इसी तरह से राइट वाला जो स्पीकर है काम नहीं कर रहा था, सिर्फ लेफ्ट वाला जो स्पीकर है सही से काम कर रहा था, इसके अंदर सही साउंड आ रही थी। इसमें भी बिल्कुल सेम है गाइस, यहाँ पर भी DC 5 वोल्ट का एक पिन लगाकर इसे डायरेक्ट पावर से भी चला सकते हो। पीछे भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे भी देख सकते हो एक माइक दिया गया है, यहाँ पे भी बैटरी का पोर्शन है, यहाँ पे भी 3 बैटरीज डाल सकते हो आप। तो ओवरऑल दोनों ही पियानो बिल्कुल सेम है गाइस, इसका प्राइस है 700 रुपीज़, इसका प्राइस है 900 रुपीज़। दोनों का ही बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ये वाला पियानो खरीद सकते हो या फिर ये वाला पियानो भी खरीद सकते हो। गाइस मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। गाइस जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, मुझे तो पियानो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पियानो पसंद है या फिर गिटार पसंद है या फिर ड्रम्स पसंद है, कौन सा वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है नीचे कमेंट करके फटाफट से जल्दी से बता दो दोस्तों। चलो अभी मैं दे देता हूं शॉट आउट। दोस्तों यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है केशव, सुफियान, हर्ष वोरा, कृषानु घोष, शिप्रा, सूरज गौड़, वीर अग्रवाल, आशुतोष गुप्ता, गणवीर, जैस्मिन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए एक अच्छा वाला कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी अच्छे से कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।